माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शलजम, ठीक है? तो ज़्यादातर शलजम बहुत ही पसंद है मुझे सर्दियों में, तो इसके साथ में कई की रोटी हो जाए बहुत मज़ा आता है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं टोडे। तो हमारी माए बोला करती थी टोडे। तो जो है ना, आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम, ठीक है? शलजम बनाने के लिए मैंने एक अदद जो है ना वो प्याज ली है, और एक पूरी गठली जो है ना वो मैंने लहसुन की छील ली, ठीक है? और इसके साथ हम शामिल करते हैं टमाटर को भी। ये आप देख रहे हैं मैंने टमाटर शामिल कर दिया एक, और ये मैंने अदरक का पेस्ट किया हुआ था, ये भी मैं शामिल कर देती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसके साथ। ये आप देख रहे हैं मैंने शलजम काट के पानी में भिगो दिए हुए हैं, ठीक है? और ये रहा हमारा प्याज, लहसुन, टमाटर, ठीक है? अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, लाइट गोल्डन करना है बस। अगर आपके पास हरी मिर्च भी है आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ठीक है? काट के बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हो गया, ये हमने पानी शामिल कर दिया था। तो अब जो है ना हमारे पास ये कुछ मसाला जाता है, ठीक है? ये हमने शामिल कर देने हैं, मिक्सिंग करते हैं। मैंने अपने हिसाब से नमक मिर्च जो है ना शामिल की है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है? जितना आपको अच्छी लगती हो, कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा स्पाइसी है तो स्पाइसी, ठीक है? पर मैं जो है ना वो नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ये देखें आप, टमाटर का छिलका भी जो है ना वो सेपरेट भी हो गया। टमाटर को कभी काट के छोटे छोटे स्लाइस में नहीं डालना चाहिए, फिर वो कुकिंग के टाइम बहुत कचरा सा नज़र आता है बीच में। ऐसे टमाटर शामिल किया हो ना तो टमाटर का छिलका भी सेपरेट हो जाता है, और समझ भी आती है कि टमाटर हमने जो है ना मैश कैसे करना है। ये देखें, ये दूसरा ही सेका इसका सेपरेट हो चुका है टमाटर का छिलका। अब हम जो है ना इसको स्टीम लगा देते हैं बस 5 से 10 मिनट तक, ठीक है? ताकि ये चीज़ें जो है ना ये शामिल की हुई हैं ये सारी गल जाए, प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक, ठीक हो गया? ये मैंने स्टीम लगा दिया इसको, ठीक है? अब ये 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना हम ओपन करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना मसाला बन चुका होगा, फिर हम आगे आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक हो गया? है ना इसकी स्टीम ओपन कर दी है, ठीक है? अब जो है ना हम इसका मसाला चेक करते हैं, और इसका मसाला जो है ना हम एक जैसा कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें शलजम शामिल करेंगे, ठीक हो गया? अब हम जो है ना इसको चम्मच की मदद से, डोई हो तो डोई की मदद से आप इसको एक जैसा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें सब्जियों में लहसुन, प्याज और टमाटर, अदरक कुछ भी नज़र आता हो ना तो खाने की लुक चेंज हो जाती है, और मज़ा भी नहीं आता खाना खाने का। मैं हमेशा मसाला अच्छे से यकजान करती हूँ, तो फिर मैं दूसरा काम करना होता है। खाने से जान छुड़ाना उसका क्या फ़ायदा है, तो खाने का जायका ही ख़त्म हो जाए।
खाने वाला भी देख के बोले ये क्या, बीच में खाने के अंदर प्याज लहसुन ये चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। बात सबसे अहम काम तो यही होता है कि मसाला उसका अच्छा बनाओ तो फिर सब्जी का जायका आता है और अच्छा आता है, अच्छा भी लगता है। तो आज मेरी अम्मी की बरसी थी, मेरी अम्मी आज के दिन फोत हुई थी, तो बहुत ज़्यादा दिल परेशान था मेरा, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं था करा। तो फिर खाना बनाने के लिए आ गई किचन में, चलो अपना दिल लगाया कि चलो आप सबके साथ अपना ज़रा माइंड चेंज करती हूँ। माँ जो होती है ना वो बेटी की बहुत अच्छी दोस्त होती है, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ताला किसी की माँ को कुछ ना करे ना बाप को, ये बहुत बड़ी हस्ती होती हैं। माँ दुनिया में ना हो तो ऐसा लगता है जैसे क़यामत है, रोज़ का दिन ऐसा लगता है जैसे क़यामत है। तो आज के दिन मेरी अम्मी दुनिया से गई थी तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज क़यामत मेरे सर पे आई हुई है। बहुत ज़्यादा मेरा दिल परेशान है, अल्लाह ताला कभी किसी की माँ को किसी बेटी से जुदा ना करे, बेटी की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी दोस्त उसकी माँ होती है, सब कुछ उसकी माँ होती है। आज कसम से कुछ भी करने को दिल नहीं था कर रहा, घर के कोई भी काम भी मैंने किए, सिर्फ ये कुकिंग करने के लिए आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हुए हैं, उन्होंने घर आना है, उनको तो खाना देना है ना, मैंने उसकी वजह से बस कुकिंग करने लगी हूँ। तो बस दिल परेशान है, आप समझते हैं, जिनकी माँ दुनिया में है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जिनकी नई दुनिया में चले गई हैं छोड़ के दुनिया को, तो अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे, उनको जन्नतों में कर दे और औलादों को सब्र दे। खास करके बेटियों की ज़िंदगी बहुत वीरान हो जाती है माँ के जाने के बाद। तो ये देखें आप, ये मसाला जो है ना एक जैसा हो चुका है, अब हम इसमें शलजम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग जो है ना वो शलजम साबुत पसंद करते हैं और कुछ जो है ना बिल्कुल उनको डोई की मदद से जो है ना चम्मच की मदद से बिल्कुल उसका जो है ना चूरा कर देते हैं, ऐसे 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 शलजम नहीं बने हुए, पता नहीं क्या चीज़ है। तो मुझे भी जो है ना ये मैंने शामिल कर दिया है शलजम, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ना ऐसे साबत भी पसंद करते हैं, तो कुछ जो है ना वो मैश किए हुए लाइक करते हैं, तो मैं जो है ना मैश कर लेती हूँ, मुझे मैश किए हुए जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट ही बहुत प्यारा आता है। और चावलों पे डाल के खाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आता है। अब ये शलजम डाले है ना, ये शलजम ने भी पानी छोड़ना है, ठीक है ना। जब ये पानी छोड़ेंगे उसी पानी से ये गल जाएंगे, आपने अलग-अलग से पानी नहीं शामिल करना, ठीक हो गया। और ये ढक्कन की मदद से भी गल जाएंगे, इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। चले जी ये हम अब मिक्स करते हैं। नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने अब इनको ना डाल देना और ये भाप में जो है ना इनका पानी भी निकलेगा और मैं आपको दिखाऊंगी इनको कैसे आप फिर भूनना है आगे से। हमने
हाँ जी, ये देखें शलजम ने पानी छोड़ दिया अपना, ठीक है। और हमने नमक मिर्च जो है ना वो आप चेक करनी है कम हो या ज़्यादा, आपने देख लेना है हिसाब से डालनी है, ठीक है ना। तो अब मैं जो है ना इसकी नमक मिर्च चेक करूँगी। और जो है ना हमने इसके इसकी बनाई के टाइम हमने एक चीज़ और डालनी है उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है शलजम में, तो मैं आपको बताती हूँ बाद में। देखें आपने पहले ये देख रहे हैं ये पानी इन्होंने छोड़ा है शलजम ने, अब ये पानी हमने खुश्क करना है। जो है ना एंड में जो डालना था ना वो सबसे ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है शलजम में। मेरी अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी ना वो डाला करती थी तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे, तो मैं तो डालती हूँ। आप अगर आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। तो ये देखें एक चम्मच ये चीनी का है, ठीक है, ये आपने शामिल कर देनी है। ये मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है, ठीक है। और बहुत ही लजीज और बहुत आसान तरीके से जो है ना ये शलजम रेडी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।